नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। कुछ लोग ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं जिसे देखकर लोग उसकी थू-थू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसी तरह का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक शादी समारोह में शख्स ने तंदूर में रोटी सेकते समय थूक लगाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के देखने के बाद लोगों ने कहा कि शख्स की इस हरकत से कोरोना बीमारी फैल सकती है। वहीं कुछ अन्य लोगों ने कहा कि थूक लगी रोटी खाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। बता दें कि मेडिकल थाना क्षेत्र के अरोमा गार्डन हाउस में शादी समारोह के दौरान रोटियों पर थूक लगाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला वकील ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की है और वो पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में नान बना रहा युवक रोटियों पर थूक लगाता नजर आ रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और इसके बाद पुलिस ने आरोपी नौशाद पुत्र अख्तर को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से समर गार्डन कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और एक महिला एडवोकेट ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की। पुलिस जैसे जैसे आरोपी को बचाकर थाने लेकर पहुंचे। बता दें कि जिले के कई लोगों ने मोबाइल पर इस वीडियो को वायरल किया, जिसमें किसी शादी समारोह में रोटी बनाने वाला युवक नान के ऊपर थूक लगाकर उसे तंदूर में डाल रहा था। इस वीडियो को मेडिकल थाना क्षेत्र के अरोमा गार्डन का बताया जा रहा है। वहीं रोटी बनाने वाला युवक एक विशेष संप्रदाय का बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर लोगों का धर्म भ्रष्ट करने और कोविड की महामारी फैलाने का आरोप लगाया था। जितने भी बैंकेट हॉल हैं सभी के लिए जहां जहां भी ये भोजन की व्यवस्था जो है बन रही है वहां पे जो है सीसीटीवी फुटेज सब जगह, और जितने भी जो है इस कर्मचारी भोजन बनाने वाले हैं वो सब लोग जो है आइडेंटिफिकेशन के आधार कार्ड वगैरह जमा होंगे, और भविष्य में कोई अगर इस तरीके की पकड़ा गया करता हुआ तो बैंकेट हॉल जो ऑनर है उस तक के खिलाफ FIR जो है कराई जाएगी। भविष्य में भी इस तरीके का कोई भी, क्योंकि ये तो छोटा मामला, चलो थूक रहा है ये सब चीज़ तो है ही, कल को आदमी मार भी सकते हैं इस तरीके की अगर मानसिकता के लोग, अभी तो पूछा जाएगा, इससे जाँच भी होगी इसकी, भाई तूने ऐसा क्यों करा गया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।